Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Vishy और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कुछ बहुत ही interesting. तो दिवाली is around the corner और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ interesting सा बनाया जाए. I mean guys, हर कोई दिवाली पर अपने घर को नए नए तरीकों से सजाने के बहाने ढूंढता है. And since दिवाली is the festival of lights, especially दियास, क्यों ना खुद के दिए बनाए जाए. क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि ये दिया हम किसकी हेल्प से बनाने वाले हैं? Any guesses? Fevicryl molded clay. तो पहले दिए जो हम बनाने जा रहे हैं वो है ये टील ग्रीन क्यूट सा प्यारा सा पर अच्छा सा दिया. आई मीन मुझे ये कलर बहुत ज्यादा पसंद है. पर्सनली वेरी मच ऑब्सेस्ड विद दिस कलर. आई मीन अ लॉट. और ये दिया बनाने में ना आपको काफी मजा आने वाली है. तो सबसे पहले हम क्ले के दोनों कंपाउंड्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. One eternity later. मिक्स करने के बाद हम इसको रोलर की हेल्प से बेल लेंगे. यहाँ पर मैंने पेंट बॉटल का यूज किया है हमारी क्ले को दिए का शेप देने के लिए. कीप इन माइंड कि पाउडर को यूज करना मैंडेटरी है जिससे कि हमारी क्ले चिपके ना. अब हम हमारे दिए को थोड़ी देर के लिए शेप में आने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम हमारी पेटल्स बना लेंगे. यहाँ पर आप किसी भी शार्प टूल की हेल्प से आपकी पेटल्स कट कर सकते हैं. After cutting the petals, हम उन पर लीफ पैटर्न बना देंगे. अब चलो जल्दी जल्दी से हम ये पेटल्स हमारे दिए से अटैच कर दें. अब हम हमारे लीव्स को फोल्ड करते जाएंगे. आप चाहे तो उन्हें ओपन भी रख सकते हैं. ड्राई होने के बाद हमारा दिया कुछ ऐसा दिखेगा. अब चलो जल्दी से हम हमारे दिए को व्हाइट एक्रिलिक पेंट या जेसो का बेस कोट प्रोवाइड कर दें. चलो अब हम हमारे दिए को रंगों से भर देते हैं. ये टील ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन काफी प्यारा लग रहा है ना. इस दिए को हम येलो और पिंक फ्लावर्स से अब कवर कर देंगे. शायद आपको ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा पर यहाँ पर मैंने सिल्वर कलर से हमारे फ्लावर्स का सेंटर मार्क किया है. सिल्वर कलर ना बिल्कुल पर्ल इफेक्ट देता है हमारे फ्लावर्स को. अब हम छोटे छोटे डॉट्स रख देंगे जिससे हमारा दिया और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा. अब हमारे दिए फाइनली कंप्लीट होने के बाद हम उनको वार्निश से कोट कर देंगे जिससे कि उनकी वाटरप्रूफिंग हो सके और एक काफी प्यारा शाइनी टेक्सचर उन पर आए. वार्निश का यूज पेंट के कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद ही करिएगा. यहाँ पर मैं वुड वार्निश यूज कर रही हूँ पर आपके पास कोई भी वार्निश हो आप वो यूज कर सकते हैं. ये हमारा दिया फाइनली बन चुका है. Absolutely love with this diya. I mean, this is just amazing. कितना cute, कितना प्यारा सा है. आपको ये दिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा. Now हम बनाने वाले हैं ये प्यारा सा कलरफुल सा वायलेट दिया और से इंडिगो अगर जो भी कलर लेंगे वो वाला दिया. इसमें भी हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे बेस दिया बनाने का. यहाँ पर भी हम पेटल्स बनाएंगे बट डिफरेंट शेप की.
अब 10 से 15 मिनट बाद हम हमारे दिए को मोल्ड से निकाल लेंगे। कीप इन माइंड हमारा दिया ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, वरना पेटल्स को अटैच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। And you can see guys कि हमने पेटल्स को इस वे में अटैच किया है कि वो एक फ्लावर का शेप बन के आ रहा है। So it's clearly visible कि हमारा दिया अभी भी थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो हमको पेंट बॉटल उसके अंदर फिर से रखनी होगी और उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करना होगा। 5 से 6 घंटे के बाद हमारा दिया ड्राई होकर कुछ ऐसा लगेगा। अब हमारे दिए का बेस कोट हम व्हाइट एक्रिलिक पेंट या जेसो की हेल्प से पेंट कर देंगे। अब हम जल्दी से इस दिए को वॉयलेट पेंट कर देंगे। Don't know why it is appearing blue in the video, but in actual this is violet color. और आप अपने हिसाब से भी कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। चलो अब जल्दी जल्दी से इसकी सुंदर सुंदर पेटल्स पेंट कर लीजिए। येलो पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन तो काफी कमाल होता है। फाइनली हमारी पेटल्स कंप्लीट हो चुकी है और हम छोटे छोटे स्प्रिंकल से इसको और क्यूट बनाएंगे। एंड दैट्स हाउ कंप्लीट होने के बाद हमारा सेकेंड डे लुक्स लाइक। अरे वेट वेट वेट, वार्निश करना तो भूल ही गए। मुझे तो ये दिया काफी ज्यादा पसंद है, आई एब्सोल्युटली लव इट। आपको ये दिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आउट ऑफ दीस टू दियास व्हिच वन इज योर फेवरेट? अगर आप ये दिए बनाने वाले हैं तो मुझे इंस्टा पर टैग करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस और आर्ट आइडियाज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। So thanks for watching. Bye. अरे रुको रुको रुको, बिहाइंड द सीन्स नहीं देखने? दिखे दिए तो चिल्ला चिल्ला। अगर आप मेरे दिए कुछ हो ना हो, कैच कैच खेलना जरूर सीख जाएंगे। दिवाली, हैप्पी दिवाली। और क्या ही बोलूंगी।